नेपाल मात्र एक रन की वजह से सुपर एट में क्वालिफाई करते करते रह गया। दरअसल नेपाल को सुपर एट में क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से होने वाले दोनों मैच जीतने थे, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को लगभग हरा ही दिया था। दरअसल आखिरी ओवर में नेपाल को जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी, इसमें से उन्होंने आखिरी 2 बॉल में मात्र 2 रन की जरूरत थी, लेकिन एक बॉल डॉट होने के कारण मैच आखिरी बॉल में 2 रन तक जा पहुँचा था। यहाँ तक भी नेपाल को एक रन आसानी से मिल जाता, लेकिन नेपाली बैट्समैन गुलशन झा रन लेते लेते ही रुक जाते हैं। शायद वो रन पूरा होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अगर